नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए व्लॉग में। अभी मैं हूँ शिव मंदिर में, जो कि रोहतक रेलवे स्टेशन के पास में और फाटक के पास में। इस मंदिर को रेलवे स्टेशन शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत सुप्राचीन मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर, क्योंकि यहाँ पे जब शिवरात्रि होती ना उस टाइम पे यहाँ इतनी भीड़ होती बहुत ज़्यादा। मैं आप सभी को इस मंदिर की एक बात और बताता हूँ। इस मंदिर में शमशान घाट है, जो कि बहुत कम मंदिरों में शमशान घाट होता है, और इस मंदिर में शमशान घाट होने के बावजूद भी इतनी रौनक होती है, इतनी चहल पहल होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे है ना मेला भी लगता है, तो यहाँ पे तो जो ये मंदिर है ना, ये बहुत बड़ा मंदिर है। और अभी मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये शिव मंदिर आ गया है, और ये है बाहर का इसका फ्रंट, और एक तो एंट्री गेट ये है और एक एंट्री गेट वहाँ पे है। तो मैं आपको उस बाहर से दिखाता हूँ अभी भोले बाबा का मंदिर। और दोस्तों ये रास्ता जाता है सुनारिया फाटक पर, और ये जाता है सीधा रेलवे स्टेशन पर। तो अभी हम मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। जय भोले बाबा जी। तो हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं बाबा के मंदिर में। हर हर महादेव। तो ये राधा रानी जी आ गए। जय हो। ये गणेश बाबा जी आ गए। जय गणेश बाबा जी। ये माता शेरवाली की तस्वीर आ गई। जय ओम नारायण। ये काली माता जी आ गई, और ये हमारे श्याम बाबा जी आ गए। जय हो श्याम बाबा, श्री खाटू श्याम बाबा जी। अभी दोस्तों मैं आपको भोले बाबा जी दिखाता हूँ। यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए, और ये है हमारे सुर भोले बाबा जी। हर हर महादेव। जय। ये पुजारी जी है, और ये हमारे श्रद्धालु बैठे हुए, और यहाँ पे जल अभिषेक होता है। ये शिवलिंग है। देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जल अभिषेक हो रहा है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पे है ना शिवलिंग पे स्नान शुरू हो गया है। यहाँ पे अभी भैया तो गणेश जी को स्नान किया जा रहा है, और अभी शिवलिंग को स्नान करवा रहे हैं कपड़े भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने श्रद्धालु आए हुए हैं, और सभी अपनी बारी का
कर रहे हैं। चमन बड़ी जी बताएंगे, जो कि इन्होंने अपने उम्र के कार्यकाल में
यहाँ की व्यवस्था को कैसे संभाला, क्या क्या हुआ? सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। और आप दर्शन कर रहे हैं आज होते के बहुत बड़े विशाल शिव मंदिर के, जिसकी व्याख्या कर जिसको संभाल रहे हैं नीलकंठ सेवा समिति, जो कि पिछले 50 सालों से इसको संभालती आ रही है। और एक लौता शिव मंदिर ऐसे है जहाँ पे सभी देवताओं की मूर्ति आपको विराजमान मिलेगी। हम बात करें शनि देव की, भैरव देव की, पंचमुखी हनुमान, वाल्मीकि जी की, रविदास, परशुराम जी की, सभी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। जब जब अष्टमी का त्यौहार किसी खाटू श्याम की मूर्ति यहाँ देखने को मिलेगी। अब भाई आप एक ही मंदिर में आके सभी देवता सभी देवों के दर्शन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। 33 करोड़ देवी देवता अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो आप रोहतक इस शिव मंदिर में आ सकते हैं। अच्छा। आपको हर दर्शन, आपको हर भगवान का हर स्वरूप, कहते हैं भगवान एक है, उसके रूप अनेक है, आपको उसके हर रूप के दर्शन मिलेंगे। आपको या भोले बाबा की हर प्रतिमा मिलेगी, हर दर्शन मिलेंगे आपको। और जो भी इस मंदिर से जुड़ा है उसका उद्धार हुआ है। लोग जोलियाँ खाली लेके आते, जोलियाँ भर भर के ले जाते हैं। यह हर इंसान की आने वाले की मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती हैं। और शिवरात्रि पे सोमवार के दिन, शनिवार के दिन यहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। लोग हर तरह की अपनी परेशानी लेके आते हैं, बाबा के सामने रखते हैं, बाबा उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे आने वाले भक्तों का मैं दावा कर सकता हूँ, जो भी अपने श्रद्धा और विश्वास यहाँ पे आएगा तो किसी की सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जय शिव शंकर। तो दोस्तों अभी ये कान्हा जी आ गए हमारे, और ये हनुमान जी की तस्वीर आ गई है, मूर्ति आ गई है। और ये हनुमान जी बड़े सालासर वाले जी, हर हर महादेव। ये श्री राम जी और माता रानी सीता जी, साथ में लक्ष्मण जी, ये माँ शेरों वाले। और ये हमारे भोले बाबा जी, जय हो भोले बाबा जी। और ये गणेश जी हमारे, जय हनुमान जी की। देख सकते हो यहाँ पे रविदास जी भी है, कबीर जी भी है, श्री विश्वकर्मा भगवान जी भी है, और महर्षि तो वाल्मीकि जी भी है। जय हो महाराज जी। रोटी अंकल जी, आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? हमें 35 साल हो गए जी यहाँ काम। अच्छा। सेवा करते यहाँ पे आपको 35 साल हो? हाँ, यहाँ आए हमारे को 2 साल हो हैं इधर सेवा करते। अच्छा जी। हमें 35 साल हो गए मंदिर भोले भंडार की सेवा करते। अच्छा जी। समझे जी, हमारे को यहाँ आते कोरोना से पहले यहाँ आए हैं 2-3 साल से। अच्छा जी। यहाँ की सेवा जैसे दूध जो भी अपनी सेवा करने के लिए लाते हैं यहाँ करते हैं। समझे जी। तो जी कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत करने की सेवा। तो अच्छा, भगवान के काम के लिए तो सब अच्छे लगते हैं। देखो जी, और अपना जो भी जितना भी पुण्य हो जाए अपने हाथ से जो अच्छा है जी, ठीक, इसलिए जो आते हैं अपने लिए पानी पुणी डालेंगे। अच्छा जी। हाँ जी, सारी सफाई सुफाई करके ऐसे आप हर रोज करते हो? हाँ जी, रोज करते हैं, सारा सफाई पानी पुणी सब कुछ डालते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, जितना टाइम लगता है आधा घंटा। बहुत बढ़िया जी, सच में बहुत बढ़िया काम करते हो। ये अब आप सफाई करें, पानी पुणी डाल रहे हैं करते रोज। अच्छा जी। मेरी मिसेज आती है, वो आज आई नहीं, बच्चों को स्कूल में भेजना है, वो हम सारे करते हैं। अच्छा। और भी दो चार मेंबर और भी वो भी करते। अच्छा हैं हमारे साथ आगे। चलो आज मैं अकेला हूँ। ठीक है। हाँ। बहुत बढ़िया लगा अंकल जी आपसे मिलके, आप ऐसे अच्छे कार्य करते रहे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको हमारा जो शिव मंदिर था, मैंने आपको उसका सारा व्यू दिखा दिया और अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें। ओके गाइज, थैंक यू।